हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि तुलसी के पौधे में कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गलती से भी ये जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं, जहाँ फ़ायदा होगा वहीं नुकसान हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि तुलसी के पौधे में कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर घर में आप तुलसी का पौधा रखते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। लेकिन तुलसी को रखने और जल चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे घर में रखने मात्र से ही पॉजिटिविटी और एनर्जी आती है, और ये ऐसा पौधा है जो पैदा होने से लेकर मृत्यु तक में काम आती है। लेकिन अगर तुलसी के नियमों का पालन ना किया जाए तो ये अशुभ फल भी दे सकता है। जैसे दोस्तों, तुलसी के पौधे में कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि बिना, और इसका क्या क्या नियम है। जैसे कि बिना स्नान किए कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि तुलसी में जल चढ़ाने वक्त बिना सिलाई का एक कपड़ा पहनना चाहिए। तुलसी पर रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी विश्राम करती है। तुलसी पर एकादशी पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी महारानी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है। तुलसी में बहुत अधिक पानी नहीं डालना चाहिए। तुलसी में सूर्योदय के वक्त जल देना शुभ होता है। दोस्तों, इस दिशा में अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में लगाएं। आप उत्तर पूर्व दिशा में भी तुलसी का पौधा रख सकते हैं। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी के रखने से फायदे की जगह नुकसान होता है और निगेटिविटी आती है। तुलसी का पौधा घर की छत पर नहीं होना चाहिए, और तुलसी के साथ कांटेदार यानी कि कांटेदार पौधे नहीं रखनी चाहिए। इससे आपके घर में दरिद्रता आ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को तुलसी की सूखी पत्तियां बहुत प्रिय हैं। माना जाता है कि तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल 15 दिनों तक भगवान कृष्ण के भोग के लिए किया जा सकता है। यदि आप कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान कराने जा रहे हैं तो आप इस पानी में तुलसी की सूखी पत्तियों को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्वयं के नहाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में भी तुलसी की पत्तियों को डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के साफ कपड़े में बांधकर अपने घर के धन रखने वाले स्थान में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगा जल में डुबोकर घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। तुलसी को घर के सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं एक ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि जिस घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूखने लगता है वहां कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। तुलसी के पौधे की पूजा लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। मुख्य रूप से स्त्रियां तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाती है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहे। यही नहीं, तुलसी की पूजा के कुछ खास नियम भी है और ज्योतिष में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो नियम पूर्वक तुलसी में जल चढ़ाता है और तुलसी की पूजा करता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में भगवान विष्णु की कृपा भी होती है।
दोस्तों तुलसी के पौधे में जहां एक तरफ जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है, वहीं यदि तुलसी के पौधे में बृहस्पतिवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो धन लाभ होता है। दोस्तों तुलसी के पौधे में जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। तुलसी के पौधे में यदि रोज आप जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो इसे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी क्लेश दूर होते हैं।